हम माता सरस्वती जी की पूजा क्यों करते हैं? आपको स्कूल में कुछ बताते हैं? हर रोज स्कूल जाते हैं और आप तो प्रार्थना करते हैं, तो सरस्वती की प्रार्थना करते हैं ना? हाँ। तो आपके टीचर ने कुछ बताया है कि हम क्यों सरस्वती की प्रार्थना करते हैं? हम हमारे स्कूल के सर ने बताया था कि सरस्वती जी ने ध्वनि पैदा की थी। उसकी स्टोरी ये थी कि पहले जब धरती बनी थी तब यहाँ पे ध्वनि नहीं थी। फिर ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि इस धरती पे तो ध्वनि ही नहीं है, कोई अच्छा मजा ही नहीं आ रहा कोई लोगों को। तो फिर वो भगवान विष्णु जी ने कहा कि चले गए एक देवी के पास। वो देवी ने पैदा किया सरस्वती जी को और सरस्वती जी ने ध्वनि का पैदा की। तो आपके टीचर ने यही बताया ने, ध्वनि के बिना काम तो नहीं चलता है, इसलिए ध्वनि तो जरूरत है। क्योंकि ब्रह्मा ने ये सृष्टि उत्पन्न की, सब बताया ना आपके टीचर ने, तो ऐसे तो बिना बोले हम आपके भाव कैसे समझ सकते हैं? तो ऐसा कहा था सबसे पहले जब सृष्टि पर मनुष्य पैदा हो गए तो कैसे बात करते थे? वो इशारों से बात करते थे ना, तो भी हमें कम पड़ता था हमारे भावों को व्यक्त करने के लिए कम पड़ता था ना। तो आदि जगदम्बा है उसी के पास गए ब्रह्मा जी और बोले कि भाई कोई एक ऐसी दिव्यता आप उत्पन्न कर दो कि जिसकी वजह से हम बोल पाए, इशारों से नहीं करना पड़ेगा। तो वो जो दिव्यता पैदा की उसी का नाम है महासरस्वती, आदि महासरस्वती कहा जाता है। तो ध्वनि की यानी कि विद्या की देवी कौन है? सरस्वती, माँ सरस्वती। इसीलिए जो कोई भी विद्या हम सीखते हैं तो उसकी पहली पूजा की जाती है सरस्वती जी। हाँ, सरस्वती की पूजा की जाती है। सरस्वती का अर्थ ही यही है, रस सहित। सरस्वती रस भीतर शब्द में आता है ना, सरस्वती रस वाली है। तो रस के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकते ना, सबको रस चाहिए ना। हम खेलते हैं तो उसमें आनंद आता है, रस आता है तो खेलते हैं ना। हम पढ़ते हैं उसमें आनंद आता है, वही पढ़ाई हम करेंगे। जिसमें आनंद नहीं आता तो पढ़ाई नहीं करोगे, बच्चों को मना कराओगे नहीं करेगा। तो सरस्वती देवी आदि देवी है, ध्वनि की देवी है, विद्या की देवी है। तो उसी के बिना हम कुछ नहीं करते, इसीलिए बच्चों को तो खास तौर पर सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। आज जो हमने बताया ना मंत्र, तो मंत्र है वो क्या है सर, बोलता नहीं मंत्र नहीं बोलता ना किसी को, जो मंत्र मैंने दिया है ना वो ध्वनि है। ध्वनि है, ध्वनि है, जो ओम बोलते हैं तो ओम ध्वनि है। तो जो हमने जिस देवी का मंत्र दिया है वो जब आप मंत्र जाप करोगे तो धीरे आप तो स्वच्छ है, बच्चा है, पवित्र है ना, तो उसी के सामने ध्वनि से माता जी की आकृति खड़ी हो जाती, तब समझना कि सरस्वती देवी हम पर प्रसन्न हो गई है। जैसे हम प्रार्थना करते हैं महासारदे वरदे, ऐसा कुछ प्रार्थना आपके वहाँ कराते होंगे ना टीचर, वो मैकेनिज्म नहीं आना चाहिए। मैकेनिज्म समझते हैं? तो हिंदी में इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, मैकेनिज्म नहीं आनी चाहिए, यानी कि ऊपर से चला जाए भाव भीतर, वो तिरोहित हो जाए भाव, अलग एक्सप्रेस डर जाए, वो नहीं चलेगा। तो मंत्र जाप करोगी बेटा तुम तो धीरे 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 मंत्र जो ध्वनि है ना, ध्वनि से आकृति पैदा होती है। पहले ध्वनि प्रकाश उत्पन्न होता है, आपने कहा ना कि गर्म गर्म होता है, तो जब बिग बैंग थियरी हुई यानी कि वैज्ञानिक लोग ऐसा करते हैं कि निहारिका में स्फोट हुआ, विस्फोट हुआ, तो उसी से ये सब ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया, पृथ्वी लोग और प्लेनेट हो गए। आप सब पढ़ते हैं ना, तो इतना छोटा बच्चा आज एजुकेशन कितना बढ़ गया, हमारे समय में ये तो कुछ नहीं था। एक स्लेट होता है, पांच हमारे जो बैंक होते हैं पंजाब, एक किताब के पांच बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन आज डिजिटल युग हो गया तो इतना छोटा बच्चा कितना जानता है। तो आज समझाने की ये जरूरत है, सिर्फ इतना कर दिया कि ध्वनि उत्पन्न हो गई, वो तो एक थियरी बता दिया, लेकिन वो थियरी हम मम्मी को पूछो भी आप रोटी बनाती कैसे बनाती है तुम रोटी, वो पहले तो आटा लगाती करती है सब,
आटा गूंदना, ये करना, वो बनाना गोल गोल, फिर बेलना, हाँ करना, सेकना, फिर रोटी तैयार होती है नहीं, तो ये सब मैकेनिज्म है। लेकिन उसके पीछे जो मम्मी का भाव नहीं रहेगा ना कि मेरा बच्चा रोटी खाएगा तो पुष्ट हो जाएगा, इसलिए अच्छी बना, तो भाव होना चाहिए ना। तो हम सरस्वती की आराधना सिर्फ जो मंत्र दिया है मंत्र से करते रहे ऐसा नहीं, हमें भाव से करना है। भाव से करने का अर्थ क्या होता है, मतलब कि अंदर से दिल से करना है। दिल क्या चीज है, दिल मतलब कि पूरी श्रद्धा और निष्ठा से। बहुत सुंदर, पूरी श्रद्धा और निष्ठा से। हमारे वेदों में कहा है कि महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई आद्य जगदम्बा ने, तो आदि आदि है, तो उसी को काम सौंपा, काम सौंप दिया गया है। तो सरस्वती को ध्वनि के बारे में विद्या प्रकट करना सभी आत्मा में वही काम सीखा है। तो जब माँ के साथ हम भाव से नहीं रहेंगे, पिता के साथ भाव से नहीं रहेंगे, हमारे टीचरों के साथ भाव से, उनको श्रद्धा से भक्ति से नहीं देखेंगे, तो हमारी विद्या पर्वत होगी नहीं होगी। तो वह भी एक विद्या है, सबसे ऊपर की विद्या है, आदि विद्या है। तो उसी को जो हम जप करेंगे, पूजा करेंगे, उसकी वर्शिप करेंगे, तो भाव से करना चाहिए। भाव यानी कि भीतर से आनंद आएगा, निष्ठा आएगी। सरस्वती का फोटो लगा देना और बताना, आप करते रहोगे, करते रहोगे पूजा अर्चना वर्शिप, तो वन टाइम क्या होगा, सरस्वती आपको आपके साथ बातें करेगी। इसे तो छवि है ना, फोटो है, फोटो से कुछ नहीं निकलेगा, पर सपने में आ सकते हैं, सपने में आके बात कर सकते हैं। और ऐसे ही आवाज सुनाई देगी, ऐसे ही हम लोग अभी ऐसे बातें कर रहे, अंदर से ही कोई आवाज सुनाई दे सकती है। वाह वाह, बहुत सुंदर बात है। तो आप निष्ठा से करोगी ना, तुम तो जो चाहे बनना चाहते हो, चाहे डॉक्टर बनना चाहते हो, वैज्ञानिक बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना, और कोई भी आगे कोई प्राप्त करना है कि मैं यह विद्या प्राप्त करनी, तो जरूर आपको ये विद्या सरस्वती आशीर्वाद के रूप में देगी, प्रदान करेगी। और कोई प्रश्न है बेटा? नहीं है। तो ये मंत्र जाप करोगे कुछ? हाँ। तो हम सारे विश्व में जो कोई संस्कृतियाँ हैं, सभी संस्कृति का हम कॉन्टेक्ट करेंगे, टच करेंगे, अभ्यास करेंगे, ठीक है, स्टडी करेंगे। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति है, मातृभाषा भी हमें ध्यान देना चाहिए, हमारी संस्कृति पर भी ध्यान देना चाहिए ना। आज कंप्यूटर युग हो गया है, तो तुम तो कंप्यूटर जानता होगा, करता होगा, हम तो उसी बाबत में ठोट है। हमारे युग में कहाँ कंप्यूटर था, आपके युग में कंप्यूटर नहीं था, अभी के युग में ही हुआ है। तो आप तो ज्यादा जानते हैं ना हमारे मुझे कंप्यूटर अच्छे तरीके से ऑपरेट कर जानते हैं ना, नहीं कर पाते, हम सीखते हैं, लेकिन हम तो बुद्धि हो गई, जल्दी से प्रेस भी नहीं होगा, आपसे हमें सीखना पड़ता है कंप्यूटर, सही बात है ना। तो बात ये बेटा, आप जो चाहे, आपका संकल्प दृढ़ हो जाएगा विद्या के क्षेत्र में, विद्या की देवी का, सरस्वती का आराधना करोगे, तो आपकी इच्छा जो बनना चाहे, जो भी विद्या आपको साक्षात करनी है, वो आपको जरूर सरस्वती देवी प्रदान करेगी। बोलो श्री भगवान, सदगुरु भगवान की जय। बहुत सुंदर बात बताई, कब हुआ, कब हुआ।